न्यूज 36 के जम्मो दर्शक मन ला जय जोहार और स्वागत है आप मन के खबर छत्तीसा में। तो चलो आज के खबर के शुरुआत करबो। अपन नियमितीकरण समेत 24 सूत्री मांग ल लेके कोरबा स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी मन बेबुनियाद हड़ताल मचल दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी मन के कहना है कि राज्य सरकार हा उनखर साथ धोखा करत है, हर बार झुंझुना पकड़ा के आश्वासन दिए जावत है, लेकिन ये दारी अपन मांग ला लेके रहना है। चुनाव ले पहली बड़े बड़े वादा करे गए रहे, लेकिन ये वादा ला पूरा नहीं करे गए और कहीं के ये दारी हमन ला सरकार ले उम्मीद है, काबर के ये दारी सरकार ला जनता मन के बीच खरा उतरना है, जिन निराश नहीं करके मांग ला जरूर पूरा करही। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ अपने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम मजबूर हैं, हम नहीं चाहते थे कि हमारे मरीजों को तकलीफ हो, चिकित्सा व्यवस्था ठप हो, लेकिन हमें यह मजबूर किया गया कि जो हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन से कई बार पत्राचार किया गया, वर्षों तक पत्राचार के जिसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला, ना ही कोई सकारात्मक व्यवस्था कुछ हमको अवगत कराया गया। इसे हमारे मांगे, जैसे हमारी प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगति। हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे कैडर्स आते हैं, उन कैडर्स का मांग इसमें शामिल हुआ है, और नियमितीकरण, और 13 माह का जो एक वर्ष में पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन मिलता है वो हमें स्वास्थ्य विभाग को ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी 24 घंटा काम करते हैं, हमें तो कोई छुट्टी कोई अवकाश नहीं मिलता है, तो फिर हमें क्यों 13 माह का वेतन नहीं दिया जाता है।